है हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा एपी। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा लिवो या सीबी टू स्टार के जो फुल इंजन फिटिंग में है उसके बारे में। तो वीडियो को आपको शुरू से एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक छोटे छोटे चीज़ का भी डिटेल देने वाला हूँ। और ये जो लिवो बाइक है भाई, इसका जो क्रांक है, इसको बिठाने में हर एक मैकेनिक को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और इसको आसान तरीके से आप कैसे बिठाएंगे उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को, ओके। तो देखिए दोस्तों, पहले तो अब जब भी एक इंजन का काम करने जाएंगे तो पहले आपको साफ़ सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है, हर एक स्पेयर पार्ट्स को ऐसे वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको यूटिलाइज़ कर लेना होगा, ताकि आपको इंजन फिटिंग के दौरान आसानी हो हर एक पार्ट्स को ढूंढने में, ठीक है। तो चलिए अभी मेन चैम्बर को असेंबल करते हैं हम लोग। तो देखिए, इधर बैठेगा हमारा क्रांक। तो क्रांक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, ये जो क्रांक होता है, हीरो होंडा टाइप का क्रांक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसके दोनों साइड पे ही बियरिंग्स लगते हैं, ओके। और ये क्रांक भाई सावधानी से आपको रखना होगा, क्योंकि ये जो क्रांक होता है थोड़ा सा नरम टाइप का होता है, अगर इसमें हल्का सा भी चोट लग जाए ना तो ये टेढ़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में देखिए, ये वाला जो क्लच साइड में हमारा जो बियरिंग होता है, इस बियरिंग को आप आसान तरीके से क्लच चेंबर में फिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जाम फिटिंग होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा कि आसान तरीके से क्रांक जो है हमारा, वो क्लच साइड में फिट हो जाए, ठीक है। तो आपको भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बियरिंग के सीट को पतले वाले रेगमाल से थोड़ा सा घिस लेना है। ऐसा भी लूज़ नहीं करना है कि क्रांक को हम सीट के ऊपर चेंबर में छोड़ दे तो क्रांक बैठ जाए, ठीक है। हल्का सा घिस के आपको ऐसा करना है कि क्रांक क्रांक में थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो ये धीरे धीरे बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बियरिंग कितना अंदर गया है सीट के अंदर, ठीक है, चेंबर में। तो देखिए, अभी क्या करना है हमको, बस क्रांक को पकड़ना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से इधर हमको प्लास्टिक हैमर से हल्के हाथ से हल्का हल्का करके ठोकना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखिए, नीचे वाले हाथ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपको क्रांक को पकड़ना है, पकड़ के आपको प्लास्टिक हैमर से ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके ठोकना है हल्के हाथ से भाई, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। तो आपका जो बियरिंग है वो प्रॉपर सेट हो जाएगा क्लच साइड के चेंबर में ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए भाई, प्रॉपर जो है बियरिंग हमारा सेट हो चुका है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टाइम दीजिए, क्योंकि इसमें भाई जल्दबाजी करेंगे तो आपका जो क्रांक शाफ्ट है वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके आप अगर इंस्टॉल करते हैं क्रांक को, तो आपका जो क्रांक शाफ्ट है वो टेढ़ा होने का कोई चांसेस ही नहीं रहेगा। इस बात को आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए, क्रांक जो है हमारा वो तो परफेक्ट तरीके से, प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। अभी जो हमारा है आउटपुट शाफ्ट को और इनपुट शाफ्ट को असेंबल करना है, ठीक है। तो आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट को हम कैसे असेंबल करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए, ये हमारे आउटपुट शाफ्ट है और इसको अभी असेंबल करना है हमें, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो गड़ाड़ी ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, क्योंकि इसके ये बड़ा वाला गड़ाड़ी के ऊपर एक वॉशर दिया जाता है, उसमें वही एक लॉक टाइप का सिस्टम होता है, अगर ज़रूरत ना हो तो उसे ना निकालना ही समझदारी होती है भाई, ठीक है। तो देखिए, दो गड़ाड़ी इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, और दो गड़ाड़ी क्योंकि लगेगा इसमें, क्योंकि चार गियर का गाड़ी है ये, ठीक है। तो दो गियर लगा है और दो गियर इसमें लगेगा। उससे पहले भाई लुब्रिकेशन करना, लुब्रिकेट करना हर एक स्पेयर पार्ट्स को इंजन असेंबलिंग के दौरान बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो लुब्रिकेशन के लिए आप इंजन ऑयल या तो ऑयल ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट आते हैं बहुत ही बढ़िया, उसके वजह से इंजन जो आपका होता है वो बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। तो एक वॉशर आएगा इधर, कट वाला वॉशर, ठीक है, ग्रुप वाला। तो देखिए, ये वाला वॉशर इधर लगेगा, इसके एक साइड में होता है कर्व वाला, कर्व टाइप, और दूसरा साइड होता है फ्लैट टाइप। तो हमेशा मैं हमारे जो चैनल है इसमें जो भी वीडियो आते हैं, तो हर एक वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि जो कर्व वाला साइड होता है वॉशर का, वो हमेशा पेनियम की तरफ रहता है, ठीक है। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर से ज़रूर देना है, नहीं तो जो गियर आपका है वो स्मूथ नहीं चलेगी, ओके। तो देखिए, कर्व वाला साइड पेनियम की तरफ होगा, और
जो फ्लड वाला है वो सर क्लिप के साइड पे होता है। ओके, तो इसके ऊपर आएगा एक बुश। भाई हर एक स्पेयर पार्ट्स को आपको लुब्रिकेट कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बुश को भाई इसका उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता है, अब जैसे मर्जी इसको लगा सकते हैं। अभी आएगा ये ए वाला गाड़ी, तो भाई इसका भी उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता है, अब जैसे मर्जी इसको डाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो गड़ाड़ी है पहले जैसा था वैसे लगाएंगे, अब जैसे मर्जी इसको लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए ये इसी के साथ साथ आउटपुट शाफ्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसको एनालाइज करना है कि इसमें जो पिनियम हमने इंस्टॉल किए हैं, जो गड़ाड़ी इंस्टॉल किए हैं, इसके जो सिलेक्टर वाले गड़ाड़ी होता है वो इसके खांचे में सही से फिट हो रहा है या नहीं। तो इसी के साथ साथ ये जो प्रॉपर सेट हो चुका है हमारा आउटपुट शाफ्ट। ओके, अभी बारी है इनपुट शाफ्ट की। देखिए भाई ये जो वॉशर सेम टाइप के वॉशर इधर होता है, देखिए वॉशर में एक कट टाइप का है, ठीक है, लॉक टाइप का। तो इस वॉशर को अगर ज़रूरत पड़े तो ही निकाले, नहीं तो ना निकाले, क्योंकि ये वॉशर को निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ज़रूरत के बिना इसको निकालना समझदारी भाई नहीं होगा। ओके, तो इसको भी लुब्रिकेट कर लेंगे। बस ये जो शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट हमारा, ये रेडी है। ठीक है, इसमें और कोई गड़ाड़ी नहीं लगेगा, चार गड़ाड़ी है इसमें, एक आता है शाफ्ट के साथ और तीनों गड़ाड़ी अलग से इसमें अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसको लुब्रिकेट करके इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि ये जाम फील वगैरह की, इसमें कोई गड़ाड़ी हमारा जाम तो नहीं हो रहा है, बस इसे ऐसे ही देखना है बस। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है ये भी रेडी है। अब हर एक दूसरे के साथ शाफ्ट को मिला के हम चेम्बर में इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर सेट है हमारा, बस आपको देखना है जो गड़ाड़ी आप लगाए हैं वो सही से फ्रीली मूवमेंट उसका हो रहा है या नहीं, बस इतना ही आपको देखना है। तो देखिए सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है, सारे गड़ाड़ी सेम टू सेम आपस में जुड़ रहे हैं। ओके, तो बस ऐसे करके हम इसको चेम्बर में फिट कर देंगे। ओके, तो देखिए भाई चेम्बर में प्रॉपर तरीके से हो चुका है सेट, इसको लगाने में बहुत बड़ी समस्या या मुश्किल नहीं होता है। ओके, तो अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे सिलेक्टर पिन और सिलेक्टर को, साथ ही में गियर ड्रम को। तो देखिए सिलेक्टर को आपको कैसे समझना है कि कौन सा सिलेक्टर कहाँ के है, आउटपुट शाफ्ट का कौन सा है और इनपुट शाफ्ट का कौन सा है। ठीक है, तो पहले इसको लुब्रिकेट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए आपको बस ये ध्यान देना है कि गियर जो हमारा ड्रम गियर ड्रम होता है वो कौन से साइड पे है। ठीक है, तो गियर ड्रम है, चलिए दिखाता हूँ और समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाला जो सिलेक्टर है गियर ड्रम के, देखिए आमने सामने गियर ड्रम बैठेगा इधर, और आपको पॉइंट कर लेना है कि सिलेक्टर पिन कहाँ पे हमारा बैठेगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रॉपर सेट है, ये वाला जो है ये हमारा इनपुट शाफ्ट का ही सिलेक्टर है, लेकिन आउटपुट शाफ्ट का सिलेक्टर ये तो है, मगर क्या है इसका जो सिलेक्टर में जो पॉइंट होता है वो गियर ड्रम की तरफ नहीं है, इसको पलट के लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए पलट के लगा के देखेंगे कि सिलेक्टर पिन जो सिलेक्टर में हमारे जो पॉइंट होता है वो गियर ड्रम की तरफ रहता है या नहीं रहता है, और आपको ये देखना है सिलेक्टर पिन के जो पॉइंट है उसी पॉइंट पे रख के। तो देखिए ये प्रॉपर सेट है, इसमें कोई गलती नहीं माना जाएगा। ओके, ये प्रॉपर सेट है एकदम पूरा बिंदास। तो देखिए अभी गियर ड्रम को इंस्टॉल करेंगे, और आपके पास अगर न्यूट्रल पत्ती होगा नया वाला तो उस न्यूट्रल पत्ती को आप चेंज करवा दें, क्योंकि एक न्यूट्रल पत्ती की वजह से आपको दोबारा एक इंजन को खोलना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए गियर ड्रम को और गियर ड्रम में अटैच करके देखेंगे अभी इसको कि गियर ड्रम में सही तरीके से ये अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए सिलेक्टर पिन के जो पॉइंट होता है उसके साथ अटैच उसी पॉइंट पे रख के एकदम परफेक्ट तरीके से ये अटैच हमारा जो है गियर ड्रम के साथ हो गया है। आउटपुट शाफ्ट का जो सिलेक्टर है और इनपुट शाफ्ट का सिलेक्टर भी सेम तरीके से अटैच हो चुका है। तो देखिए प्रॉपर जो है गियर बॉक्स और गियर गड़ाड़ी
सिलेक्टर गियर ड्रम हमारा जो है प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और इसमें वही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे वीडियो को देख के आसान तरीके से आप भी अगर आप एक नया नया काम सीख रहे हो तो आप भी भाई हर एक बाइक के गियर बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हो वीडियो में दिखाए गए तरीके से। ठीक है, तो आपको भाई समझना कैसे है कि गियर ड्रम आपको गियर सही से बैठा है या नहीं, तो आपको बस यही बात पे ध्यान देना है कि गियर ड्रम आपका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक मूवमेंट हो रहा है या नहीं, घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो अभी लगाएंगे कीकर को। तो कीकर में देखिए क्लच साइड में भाई हमको ये गियर बॉक्स या क्रांक को इंस्टॉल करने का मेन रीज़न है क्या, एक तो है क्रांक, ये सिर्फ और सिर्फ लीवो और सीबी ट्विस्टर के बाइक में होते हैं। पहला जो रीज़न है वो है क्रांक और दूसरा जो रीज़न है वो है हमारा कीकर। कीकर के जो शाफ्ट होते हैं किक शाफ्ट, उस किक शाफ्ट को और क्रांक को असेंबल करने आसानी से असेंबल करने की वजह से भाई हमने ये जो तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ क्लच साइड के चैम्बर को ही चुना है इसीलिए। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हमारा जो है सेटअप हो चुका है। अभी डोल स्पिन को लगाएंगे, लगा के चैम्बर को सेट करेंगे। ठीक है, और एक बात का ध्यान आपको ज़रूर से ज़रूर रखना होगा, मैं हर एक इंजन असेंबलिंग के वीडियो में बताता हूँ कि इंजन में कभी भी प्लास्टिक हैमर के अलावा दूसरा जो मेटल के हैमर होता है उसे कभी मत यूज़ करना, क्योंकि उससे क्या होता है चैम्बर जो है हमारा टूट जाते हैं। ठीक है, तो चैम्बर को ऐसे बिठा के थोड़ा सा प्रेस करेंगे भाई, ज़्यादातर हाथ से ही सेटिंग हो जाते हैं हमारे जो चैम्बर है वो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बाइकों में क्या होता है अगर थोड़ा सा परेशानी हो, अगर हाथ से सेट ना हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके हल्के हाथ से प्लास्टिक हैमर से आप प्रेशर उसमें दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे जो गियर बॉक्स है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है और अभी बोल्ट लगाना बाकी है, बोल्ट को लगाएंगे, लगा के पूरा सेट करेंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो में दिखाया गया जो भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको समझ में ना आए तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरी किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।